गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, प्लांट किंगडम। 11th का टॉपिक है नीट के लिए। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट के रिगार्ड हम लोग सारी बातें, सारा इन्फॉर्मेशन आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम, हम लोग यहाँ पे ये किंगडम सिस्टम को अगर समझना चाहें तो एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन होती है। वाइटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप्स में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अलग अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन में, हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बट प्लांट किंगडम में हम लोग सिर्फ प्लांट की ही बात करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को मेंशन करते हैं, जहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में 5 किंगडम्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनमें सिर्फ प्लांटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लांटी की बात करेंगे। दैट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर हमारा होगा प्लांट किंगडम। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लांट की रिगार्ड हम लोग बात करें तो प्लांट लोअर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है, हायरार्कियल ऑर्डर में या फिर फाइलोजेनेटिक पाथवे को देखें किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले अल्गी, जिसको थैलोफाइटा बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है जो कि एक्वेटिक है। थैलोफाइटा दैट मीन्स अल्गी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म तक पहुँचते हैं। कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है? थैलोफाइटा से स्टार्ट होती है। थैलोफाइटा इवोल्यूशनरी पाथवे को अगर देखें तो सबसे पहले प्लांट का जो इनिशिएशन हुआ है थैलोफाइटा से हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ एंड देन टेरिडोफाइटा, एंड देन जिम्नोस्पर्म और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म आया है। इन पांचों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, इनको सिक्वेंसली वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अलगी से। थैलोफाइटा दैट मीन्स अलगी, इसको अनदर फॉर्म में अलगी हम लोग बोलेंगे। अलगी से स्टार्ट करेंगे। बट ये जो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी पाथवे है, एंजियोस्पर्म का अगर हम लोग पूर्वज की बात करें, एंसेस्टर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन किया है। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म का फॉर्मेशन किया है। ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स आया है, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइट आया। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है एंजियोस्पर्म तक ये डेवलप हुआ है। इसको समझने के लिए, प्लांट किंगडम को समझने के लिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग समझेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वेज में प्लांट किंगडम को समझाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट जो करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से करेंगे। कहाँ से करेंगे? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम को। यहाँ पे सिस्टम्स जो होगा, 3 सिस्टम होंगे
एक होगा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, दूसरा होगा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। सिस्टम क्लासिफिकेशन वन बाय वन सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये ओल्डेस्ट सिस्टम है, दैट मीन्स सबसे पहले ये आया। ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले आया। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस यहाँ पे जो है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ पे बेसिस को लिया है एक्सटर्नल फीचर्स को लेके। बेसिस क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स को देखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी को देखना, और फिर उसके बाद बारे में बताना। प्लांट्स को बाहर से देखें और उनके बारे में बताएं, टॉल है, ड्वार्फ है, शॉर्ट है, ग्रीन है, या फिर जो भी लीफ के टाइप्स हैं, कंपाउंड लीफ है, सिंपल लीफ्स है, स्टेम ओडी है या फिर हर्बेसियस है, ये सारे फीचर्स हम लोग बाहर से देख के हम लोग क्या करते हैं, इसको बताने की कोशिश करते हैं। किस सिस्टम क्लासिफिकेशन में? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में। तो बेसिस, किस बेसिस पे? एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे। जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल देख के बाहर से। एक्सटर्नली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनिज्म को, उसके बारे में बताते हैं, मॉर्फोलॉजी को बताते हैं, दैट मीन्स उसके एक्सटर्नल फीचर्स को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल में स्टेम को अगर देखेंगे, एग्जाम्पल में स्टेम का डिस्कस करेंगे, तो स्टेम में एक तो सॉफ्ट स्टेम होगा, जिसको हम लोग हर्बेसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बेसियस। और दूसरा जो होगा वुडी स्टेम होगा, जो सख्त होता है, और ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये रेंगता है। ओके, ये वर्टिकली खड़ा नहीं हो सकता है, ये सॉइल के साथ हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। वुडी प्लांट वर्टिकली एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ वुडी पार्ट, वुडी स्टेम। ओके, स्टेम को देख के इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक प्लांट के लेंथ को लेके, या फिर कह सकते हैं हैबिट ऑफ प्लांट्स, उस बेसिस पे भी हर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल में हैबिट ऑफ प्लांट्स हर्ब्स shrubs and then trees, या फिर कह सकते हैं लेंथ बेसिस पे प्लांट को क्या किया गया है, तीन कैटेगराइज में रखा गया है। छोटे छोटे प्लांट्स, थोड़ा लेंथ ज़्यादा वाला प्लांट्स, फिर लंबे प्लांट्स, लंबे लंबे प्लांट्स, इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक्सटर्नल फीचर्स है, मॉर्फोलॉजी है, ये बाहर से हमें बताना है। तो यहाँ पे इस तरह से स्टेम के टाइप्स को देख के, हर्बेसियस है, ओडी है, या फिर छोटा प्लांट्स है, पूसी प्लांट्स है, या फिर थोड़ा बड़ा है, या फिर और बड़ा है, इस तरह से कैटेगराइज किया गया है हर्ब, सर्ब्स, ट्रीज में। टाइप्स ऑफ लीव्स में देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स में टाइप्स ऑफ लीव्स भी आता है। टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स की अगर बात करें, तो टाइप्स ऑफ लीव्स में
सिंपल लीव्स हो सकता है, कंपाउंड लीव्स हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, सिंपल लीफ या फिर कंपाउंड लीफ। इस तरह से टाइप्स ऑफ लीव्स में हम लोग कर सकते हैं। अब अगर लीफ की बात करें तो इस तरह से ये जो लीफ है ये नंबर्स बेसिस पे, नंबर ऑफ लीव्स प्लांट में, नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, शेप ऑफ लीव्स क्या है या फिर कलर ऑफ लीव्स क्या है, तो टाइप्स ऑफ लीव्स में इस तरह से नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स या फिर कलर ऑफ लीव्स को लेके इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स में ये एक्सटर्नल फीचर्स हैं, इस तरह से प्लांट की रिगार्ड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, एक लाइन है यहाँ पे, ग्रोथ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन ग्रोथ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दैट मीन्स वही हुआ, एक्सटर्नल फीचर्स को ही लेके क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है या फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, किसमें, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में। ओके, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसके जो फॉलोअर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, वो कौन है, फॉलोअर्स, इसको मानने वाला जो साइंटिस्ट है वो दो है, एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस। ये दो साइंटिस्ट इसको फॉलो करता है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को, कौन कौन, एरिस्टोटल एंड देन कैरोलस लिनियस, ये दोनों इसको फॉलो करता है, इसके अलावा फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ पे ये सिस्टम जो है ये एक्चुअली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड देन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों को लेके इक्वल वेटेज दिया है दोनों का, और फिर सिस्टम क्लासिफिकेशन में इसका हेल्प लिया है। इसमें नेक्स्ट फीचर्स जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फीचर्स में बोलेंगे दिस सिस्टम यूज्ड बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स कर सकते हैं, कैरेक्टर्स। इस सिस्टम में दोनों पार्ट का यूज़ किया गया है, वेजिटेटिव पार्ट या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और दूसरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, दोनों का यहाँ पे यूज़ किया गया है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम एंड देन लीव्स, कौन आ जाएगा, रूट, स्टेम एंड देन लीव्स, ये सब आ जाएंगे। एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे रूट के, स्टेम के और लीव्स के, जिसको हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बोलेंगे। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में कौन आ जाएगा,
फ्लावर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फ्लावर। और ये जो फ्लावर्स का पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, एंथर या फिर कार्पेल होता है। क्या होता है? एंथर या फिर कार्पेल। अगर फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होंगे फ्लावर्स में, वो कौन सा पार्ट होगा? फ्लावर्स में ये इस तरह से एंडोशियम एंड गाइनोशियम होगा। क्या होगा? एंडोशियम। और दूसरा पार्ट जो होगा गाइनोशियम होगा। एंडोशियम की यूनिट को स्टैमेन बोला जाता है, बट स्टैमेन में एंथर एंड फिलामेंट होता है, तो एंथर वाला पार्ट को यहाँ पे क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। और फीमेल में गाइनोशियम के यूनिट को कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल यूज़ होता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में, इसका यूज़ होता है। ओके इसके अलावा लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला है लीनियस ने। इसको क्या बोला है लीनियस ने? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला है? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है, तो लीनियस ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया है। किसको बोला है? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लिया, उस बिहाब पे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला गया है। आर्टिफिशियल को क्या बोला गया है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, सिस्टम क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी बोला है। यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन और है, जो एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स को भी लिया गया है, कलेक्शन ऑफ स्टैमिन किया गया बेस्ड ऑन एंड्रोशियम कैरेक्टर्स। किस तरह से? इस बेसिस पे, बेस्ड ऑन एंड्रोशियम कैरेक्टर। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसके बाद ड्रॉबैक देखेंगे। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन किस बेस्ड पे है? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एंड्रोशियम कैरेक्टर्स। एंड्रोशियम कैरेक्टर के बेसिस पे क्या किया गया है? कलेक्शन ऑफ एंड्रोशियम किया गया है, कलेक्शन ऑफ स्टामिन किया गया है। कलेक्शन ऑफ स्टामिन। फिनिश। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स होंगे, तभी नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया होगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ कमियां या फिर ड्रॉबैक्स होगा, जिस वजह से फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन आया होगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स को देखेंगे। किस बेसिस पे नेक्स्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन आया है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। ड्रॉबैक्स। इस तरह से ड्रॉबैक्स को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स को लिया गया है, बहुत कम कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे जितना कम कैरेक्टर्स लेंगे उतना क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं होगा, जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स लेंगे उतना क्लासिफिकेशन परफेक्ट होगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर्स बहुत कम लिए गए हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक्स है, वेरी फ्यू या फिर कह सकते हैं लिटल कैरेक्टर्स को लिया गया है, लिटल इंफॉर्मेशन वाज टेकन। इंफॉर्मेशन वाज टेकन, बहुत कम इंफॉर्मेशन को लेके ये आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया था, जिस वजह से क्या हुआ? परफेक्ट
रिजल्ट नहीं आया, क्लासिफिकेशन सही से नहीं हो पाया। दूसरा जो ड्रॉबैक था, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया। इवन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज closely related species was separated closely related species को separate कर दिया गया, जिसको के separate नहीं कर सकते उसको भी उन्होंने क्या किया, artificial system classification में अलग कर दिया। ये भी drawback था। थर्ड drawback क्या होगा, यहाँ पे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं दोनों को इम्पोर्टेंट इक्वल दिया गया, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है दोनों को, जिस बिहाव पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चूँकि टाइम टू टाइम ये चेंज होगा, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होंगे प्लांट के वो हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे। तो दोनों को इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में दोनों को सेम वेटेज दे दिया गया, गेव इक्वल वेटेज। थर्ड ड्रॉबैक हम लोग देखते हैं, इक्वल वेटेज। और इम्पोर्टेंस, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया या फिर इम्पोर्टेंस दिया गया इक्वल, जिस वजह से काम गड़बड़ा गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक साथ दिया क्या गलत किया, अलग अलग क्यों नहीं रखा। ड्रॉबैक इस वजह से हो रही है कि दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दे दिया गया, सेम वेटेज दिया गया। ओके, तो हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं, और एक तरफ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझने की कोशिश करते हैं कि सेम वेटेज दिया, ये ड्रॉबैक रहा, क्योंकि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है लीफ स्टेम, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, एनवायरमेंटिक कंडीशंस के बिहाव पे ये चेंज हो सकता है। That means इसको हम लोग कंजर्व नहीं रख सकते हैं, are not conserved। इसको कंजर्व क्यों नहीं रख सकते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होगा, क्यों नहीं, बिकॉज दे चेंज इजिली विद द चेंजिंग ऑफ environment। इस बिहाव पे ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंजर्व नहीं रख सकते हैं, they change easily with the changing of environment। एनवायरनमेंट के साथ ये चेंज होगा, जिस वजह से इसको कंजर्व नहीं रख सकते हैं, नॉट कंजर्व, ये चेंज इजीली हो जाएगा। ओके, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं आर कंजर्व्ड, इसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, आर कंजर्व्ड बिकॉज दे do not change easily with changing environment, they do not change
विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, इस तरह से ये कंजर्व हो सकता है और इजीली चेंज नहीं होगा. दे डू नॉट चेंज विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट. ओके, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में दोनों को सेम वेटेज दे दिया गया, जो कि बदल सकता है, जो कि नहीं बदल सकता है. तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पे देना था, उन्होंने यहाँ पे दे दिया. एरिस्टोटल एंड लिनियस ने दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, ये गलत किया यहाँ पे. ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन. तो दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन. दूसरा सिस्टम जो होगा इसके बाद क्या होगा, नेचुरल सिस्टम. क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑन बायोलॉजी, बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी. डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी में एक फील्ड आएगा मॉर्फोलॉजी. दूसरा होगा एनाटोमी. तीसरा यहाँ पे जो अदर फील्ड, डिफरेंट फील्ड होगा, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी एंड देन साइटोलॉजी. फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी एंड देन साइटोलॉजी, ये अलग अलग फील्ड को लेके इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. अलग अलग फील्ड को लिया, डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स को लेके, एक्सटर्नल फीचर्स को लिया यहाँ पे, एनाटोमी, इंटरनल फीचर्स को लिया, फाइटोकेमिस्ट्री. फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री दैट मीन्स केमिकल्स, केमिकल्स इन प्लांट. प्लांट्स में केमिकल की स्टडी होगी, फाइटोकेमिस्ट्री बोलेंगे. एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रायो. और फिर साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म, और कह सकते हैं सेल. इस तरह से डिफरेंट फील्ड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम में है ना हेल्प लिया गया. नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया गया है. यहाँ पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो फॉलो करता है वो साइंटिस्ट कौन है, वो साइंटिस्ट कौन है, बेंथम एंड हुकर. कौन है? बेंथम एंड हुकर, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट यहाँ पे जो है नेचुरल सिस्टम, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट. इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट में नाम आता है बेंथम एंड हुकर. ये साइंटिस्ट इसको क्या करता है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है. नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को ये क्या करता है, फॉलो करता है. तो ये इस फील्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है. ओके, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, नेचुरल सिस्टम
यहाँ पे बेस्ड किस बेस्ड पे है, नेचुरल एफिनिटी बेस्ड पे है, या फिर कह सकते हैं नेचुरल सिमिलिटीज़ पे बेस्ड है, बिटवीन जो प्लांट्स के बीच में जो सिमिलिटीज़ होती है उस बेसिस पे, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, या फिर कह सकते हैं नेचुरल एफिनिटीज़ को नेचुरल सिमिलरिटीज नेचुरल सिमिलरिटीज इस बेसिस पे यहाँ पे बिटवीन प्लांट्स का देंगे। नेचुरल एफिनिटीज या फिर इसी को कह सकते हैं नेचुरल सिमिलरिटीज बेसिस पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम इम्पोर्टेंस दिया गया है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फीचर्स को या फिर कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, गेव मोर इम्पोर्टेंस टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। इस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दिया गया है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को यहाँ पे कम इम्पोर्टेंस दिया गया है। सही है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम दिया, गेव मोर इम्पोर्टेंस टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके फाइनल, ये नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है, जो जो इम्पोर्टेंस है मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, नेचुरल एफिनिटीज बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, थर्ड में हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एंसेस्टर को देखा जाता है, पूर्वज को देखा जाता है, एंसेस्टर को, उसके लिए फॉसिल्स फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, फॉसिल्स रिकॉर्ड की, दैट मीन्स एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, किस बेसिस पे है, बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। ओके, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो यहाँ पे देखा जाता है, फाइलोजेनिक सिस्टम में यहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड को देखा जाता है, फॉसिल्स के रिकॉर्ड को देखने के लिए उसके एंसेस्ट्री और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानना होता है, दैट मींस एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यहाँ पे इन चीज़ों को, एंसेस्टर को और इवोल्यूशनरी पाथ को यहाँ पे मेंशन करना होता है, देखना होता है, और फिर
इस सिस्टम में क्लासिफिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, फॉसिल्स रिकॉर्ड बेसिस पे, दैट मीन्स एंसेस्ट्री और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को भी क्या किया गया, मेंशन किया गया, लिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी या फिर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। इसके साथ साथ फॉसिल्स रिकॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ है, इसके साथ साथ अलोंग विथ इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को भी देखा गया है, डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट्स किसको अकाउंट्स किया गया है, फाइलोजेनी को, अकाउंट्स फाइलोजेनी कहने का मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम बाद में आया, ये एक्चुअली क्या है, एडवांस एंड वाइडली एक्सेप्टेड है, दैट मीन्स मैक्सिमम पीपल इसको क्या करता है, मानता है। एडवांस एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन इज एडवांस्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेबल। ओके, वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, ओके, एडवांस एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, ओके, बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड दैट मीन्स एंसेस्ट्रल और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे साइंटिस्ट जो फॉलो करता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को, एंगलर एंड पेरेंटल, और एक दूसरा साइंटिस्ट है हुचिनसन। कौन कौन है, साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट है एंगलर एंड पेरेंटल। दूसरा जो है हुचिनसन है, ये दो साइंटिस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया है। इस तरह से फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो जाएगा, टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी हो जाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी एंड अदर कुछ पॉइंट्स को और देखना है। ओके, आज के लिए थैंक्स।